हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे अर्चना जी, हमको मुबारकबाद दीजिए, हमने अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया है। अरे तितली जी, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं। अरे ओ बच्चा जी, आप घबराइए क्योंकि तितली गुस्से में है। गुस्से में क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि हमें चलना है नानी के भाभी के चाचा के बेटे के भाई की छोटी बहन के नवासे के पोते के। क्या बोले जा रही हो? अरे मैं कह रही हूँ कि नानी की भाभी की चाचा के पोते के छोटी बहन के बेटे के भाई के भतीजे के नानी के पोते के छोटे भाई का मुंडन है। मुंडन? ऐसा बताइए ना कि मुंडन में जाना है, लेकिन क्या करें तितली, अभी अभी दुकान खोले हैं, दुकान को ऐसा अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। हाँ तो नहीं छोड़ते, समेटो साथ में ले चलते हैं। एक काम करें, डॉक्टर को भी साथ में ले चलते हैं। डॉक्टर मुंडन करता है? नहीं, वो तुम जैसों का इलाज करता है। देखो जी, मैं प्यार से कह रही हूँ, दुकान बंद करते हो या फिर मैं मुट्ठी बंद करूं? देखो चलेंगे, ऐसा नहीं है, हमने एक सेल्समैन बुलाया है, उसे जरा काम वाम समझा दे फिर चलते हैं। ठीक है, तब तक आप गिफ्ट पैक कर लो। गिफ्ट किसके लिए? अरे मैंने कहा नहीं, नानी के भाभी के चाचा के पोते के भाई के छोटे बहन की बेटी के भोर के छोटे भाई की बेटी के उसका मुंडन है। अरे हाय हाय हाय, कर लेंगे, माफ करो हमको, तुम चलो, हम आ रहे हैं, चलो। यार अर्चना जी, लेकिन देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर अपना खुद का, यहाँ पे हर चीज उपलब्ध है, मतलब गैस की गोली से लेडीज की चोली तक सब बेचते हैं हम यहाँ। तुम सेल्समैन हो? नहीं, मैं स्पाइडरमैन हूँ, बस ऊपर चड्डी पहनना भूल गया मैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं नीचे भी पहनना भूल गया, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। दिवाली आज? नहीं। तो इतना जगमग क्यों रहा है? अरे तूने चश्मे पहने हैं कब? वो मेरे को पता है, मैं कहता आप क्यों इतनी जगमग कर रही हैं? हर बार दूसरों के चश्मे जेलसी करना छोड़ो। देखो हमें ना अपनी दुकान के लिए एक लड़का चाहिए। वाह, एक टाइम था जब लड़कियों के लिए लड़के ढूंढे जाते थे, दुकान के लिए लड़के। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आपकी दुकान हम सिर्फ दो कपड़ों में लेंगे। यार ये जो तुम बोल रहे हो, तुम्हें सुन रहा है, और अगर सुन रहा है तो समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। इसी वार्तालाप में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तुम खा रहे हो क्या वो हजम हो रहा है, और अगर हजम हो रहा है तो इतना फैल क्यों रहे हो? देखो यार, तुम्हें अगर हमारे यहाँ पे सेल्समैन बनना है ना, तो सबसे पहले तो हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। क्यों, मेरी तो कोई फिल्म नहीं आ रही, लेकिन मेरे को करनी जरूर है। अच्छा? पर एक प्रॉब्लम है, मैं बिकनी नहीं पहन सकता। क्यों? अरे बिकनी लड़कियां पहनती हैं। अरे बिकनी को थोड़ी ना पता उसको कौन पहन रहा है। हाँ, जैसे मैंने अंदर पहनी है, तुमको पता है? बिकनी अंदर नहीं बाहर पहनते हैं। तो बाहर पहनो फिर। अरे मर्द बिकनियां नहीं पहनते हैं। अच्छा, कल को कहोगे मर्द चूड़ियां भी नहीं पहनते? हाँ तो नहीं पहनते। तो फिर तो तुम कहोगे कि मर्द नेल पेंट भी नहीं लगाते? हाँ तो नहीं लगाते। तो मेरे को ना नेल पेंट रिमूवर मंगवा दो, मैं लगा के आ गया हूँ। मेरे को आइडिया ही नहीं था। देखो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई मोहिनी रेस्टोरेंट आनी बार नहीं है। आया बात समझ में? अब यहाँ पे अगर नौकरी करनी है तो पहले बताओ तुम्हें कोई बेचने का एक्सपीरियंस है? अरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना बाप बेच दिया था। हाय रब्बा। बाप बेच दिया? क्यों क्यों क्यों? माँ से बिक नहीं रहा था, मैंने बेच दिया। मैंने बाप बेच के दो छोटे छोटे चाचा ले लिए। अब हम दोनों चाचा और भतीजा और चाचा और भतीजा और खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। यार तुमने और कुछ बेचा है? तुमको क्या लगता है ये सोनी चैनल को तुम सबको किसने बेचा है? तुम्हारा तो कुछ भाव नहीं दे रहे थे, ऐसे धनिया बेचा मैंने तुम्हें। देखो तुमको अगर हमारे दुकान का सेल्समैन बनना है ब्रो, तो तुम्हें सुबह 9 बजे हमारा दुकान ऐसे खोलना होगा। 9 बजे मैं नहीं आ सकता। क्यों? मेरा 11 बजे का अलार्म लगा हुआ है।
अरे तो 9 बजे का अलार्म लगा दो। अच्छा तो 11 बजे वाला बजता रहेगा वो। अरे तो 11 बजे का अलार्म बंद कर दो। 11 बजे वाला अलार्म बंद कर दो। अपनी दुकान खोल रहा है, हमारे अलार्म बंद करा रहा है। रेसिस्ट कहेगा, देख ना तेरी ना मेरी, मैं 3 बजे आ सकता हूँ। 3 बजे जॉब पे कौन आता है यार? तुम लोग रात को 9:30 बजे आके लाखों कमाते हो। हमने कभी कुछ कहा है? हम 3 बजे आ गए तो तेरी धोती में खुजली आ रही है। देखो यार, तुम अगर यहाँ पे प्यार से काम करोगे ना, टाइम टू टाइम हम तुमको सैलरी भी दे देंगे और दिवाली का बोनस अलग। दिवाली पे नहीं, मेरे को संडे के संडे चाहिए। अरे संडे को छुट्टी मिलती है। छुट्टी में मंडे को लेगा। मंडे को क्यों? क्योंकि संडे को तो ऑलरेडी होती है। जो भी बोलना है इसमें कहिए क्या है। देखो यार, अभी हमने कहीं बाहर जाना है अपनी बीवी के साथ, इसलिए अपनी दुकान की जिम्मेदारी तुम्हें दे के जा रहे हैं। बाद में आएंगे, पूरा हिसाब लेंगे, ख्याल रखना दुकान का, समझे? अर्चना जी, मेरे को जॉब मिल गई, लख लख बधाई मुझे। दो चाहे ना दो, जो मेरी बचपन में आपने आइसक्रीम छीनी थी उसके चेयर पे दो। इतनी चला गया, मैं आइसक्रीम खा रहा था, मेरे पास आई गई थी, मैं ना आइसक्रीम टेस्टिंग विभाग से आई, चाट लें तो थोड़ी सी। बचपन के तो 6 रुपए मेरे, अब तो खैर 50 लाख हो गए होंगे। अच्छा? जब आपने 6 नहीं दिए तो 50 लाख तो कोई निकलवा नहीं सकता। आप एक काम करो, मेरे को एक टिप दे दो। क्या? जैसे कोई भी काम ना हो फिर भी उस काम के पैसे कैसे लेते हैं? एक्सक्यूज मी। What excuse me? भिखारी आए नहीं, कस्टमर पहले आ गए। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भिखारी नहीं आए और कस्टमर पहले आ गए। Excuse me, मैं भिखारियों को बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे जो पड़ोसी पापा है ना, वो भिखारी हैं। उस हिसाब से पड़ोस के पापा क्या होते हैं? रहते हमारे घर में थे, हमारे पापा थे। मम्मी से झगड़ा हो गया तो पड़ोस में रहने लगे। बीच बीच में सॉरी बोलने आते रहते, मैं सॉरी के बाद ही हुआ हूँ। सुनो, ये ना फालतू की बातें बंद करो, जा रही। वाह, क्या जा रही हो तुम? हाय हाय, तुम मॉडल क्यों नहीं बन जाती? यू जस्ट शट अप, और मुझे कुछ सामान चाहिए। हाथ लगा के दिखा सामान को, मैंने इतनी मुश्किल से सेट किया, खबरदार मेरे सामान को हाथ लगा, अपना सामान लेके आओ। मैं पैसे दे रही हूँ ना तुम्हें। ये पैसे का धौंस किसको देती है? भगवान ने हाथ दिया, मांग के नहीं खा सकती। आई बड़ी। पर मैं एक बात बता दूं, भगवान ने मुझे 2 पैर भी दिए, मैं उनसे चल के जा भी सकती। भगवान ने पैर दिए, चेक तुझे सोनी चैनल देगा। वो मैं क्या कह रही थी कि आपके पास बड़ी इलायची होगी क्या? चेक की बात आई, बड़ी बड़ी चीजें मांगने लगी ना। इलायची ये लो। पर ये तो छोटी इलायची है। इसको पालो पोसो, होएगी बड़ी, ऐसे थोड़ी है। इसको अप्रिशिएट किया करो कि तुम बहुत अच्छी हो, ये बड़ी हो जाएगी। और अगर फिर भी बड़ी होगी, तुम्हारी बात ना माने, इसको कूट के चाय में डाल देना, ऐसे होता है। मुझे ना इलायची चाय के लिए नहीं, बिरयानी के लिए चाहिए। What a shame! मैं तुम्हें वीगन समझ रहा था और तुम नॉनवेज निकली। तो तुम्हें क्या करना है? मैंने पता कितने सपने सोचे थे, तेरे साथ मरीन ड्राइव जाऊंगा मैं उतर जाके, और तू ये नॉनवेज खा के आ गई, और मेरा तो 80 रुपए ऑटो का भाड़ा गया ना। भाड़ा भी गया, हुआ भी कुछ नहीं। मरीन ड्राइव से जाने के लिए ना 80 रुपए नहीं, 160 रुपए लगते हैं। तो आधा किराया तुम नहीं दोगी? नॉन वेज भी तुम खा के आओ, किराया भी मैं दूं। What rubbish is this? तुम चुपचाप अपना काम करो और जल्दी से 1 किलो पीली दाल पैक कर दो। पीली दाल कौन से रंग की होती है? पीली दाल पीली रंग की होती है। वाह, कल को कहो कि नीली दाल नीली होती है, काली काली होती है। वाह, तो नीली तो नीली होती है। नीली कौन सी दाल होती है? मैं है, इसको अकल है थोड़ी। क्या लेने आई घर से? तेरे को आइडिया है क्या लेने आई? मुझे आइडिया है, लाल पजामा पहन के आ गई, गाड़ियां रोक जाके बाहर। तो मुझे ना नीली दाल नहीं, मुझे पीली दाल चाहिए। तो बताओ ना फिर पीली दाल कौन से कलर की होती है, मेरे को बताएगी तो पता चलेगा। You know what? भाड़ में गई दाल, मुझे दाल ही नहीं चाहिए। दाल कुकर में जाती, भाड़ में जाती नहीं। भाड़ में गया कुकर। कुकर गैस पे जाता है। भाड़ में गई गैस। गैस सिलेंडर। भाड़ उसको मत भेजना, भाड़ फट जाएगी। चने हैं तुम्हारे पास? घोड़ी है मेरे पास। चने और घोड़ी का क्या कनेक्शन है? उन्हीं का तो है।
घोड़ी तो चने खाती है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, घोड़ी ने खा लिया ज्यादा चने, उसको होगी प्रॉब्लम गैस की, पीछे उसका साला खड़ा था, आप बिलीव नहीं करोगे, दूल्हे से पहले पहुंचा साला मंडप में। ऐसे हो गया आपका? या? हाँ, आपकी ना ज़बान बहुत ज्यादा चलती है लेकिन दुकान नहीं चलती आपसे। ओ हेलो, वो लेडी गवाह है, तुमने इतनी दुकानों पे शॉपिंग नहीं जितनी हमने खोल खोल के चला चला के छोड़ दी है, समझ में आया? सुनो, छोड़ने से याद आया, मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? ऑफ कोर्स तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, मैं ग्राहक हूँ। अरे तो क्या एक ग्राहक और एक दुकानदार कुछ हो नहीं सकता? प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता? क्यों अंजलि? अंजलि नहीं हूँ मैं। कहने के लिए तो मैं उनको भी अंजलि कह दूं लेकिन ये हो नहीं सकता। और मैं इनको मान भी लूं ये मैं होने भी नहीं दूंगा। ये तुम 15-20 मिनट के लिए बन जाओ अंजलि, तुम्हारा क्या जाता है? चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बार में अंजलि लग भी जाओ, लेकिन तुम कहीं से राज नहीं लगते। मुझे राज लगना भी नहीं है, मैं तो सिमरन बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे देख के शाहरुख खान बोले ये अंजलि सी, मेरे गूसबम्स भी खड़े हो गए। वो वैक्सिंग देना मेरे को, क्रीम। जी मैं तुम्हारी वैक्सिंग करने नहीं आई हूँ, मुझे मुझे तेज पत्ता चाहिए। तो ना ये लड़कियों का इतना प्रॉब्लम है, ये ले पकड़। ये अरे ये तेज पत्ता नहीं है, ये बड़ा तेज है। इसने कल छोटी इलायची को उबलते हुए देख लिया, उसके बाद इसने लहसुन को जाके पता नहीं क्या बोला, लहसुन सारे कपड़े उतार के तेल में कूद गया। सी माय गूसबम्प्स, सी सी वैक्सिंग क्रीम दो। मुझे तुम्हारी वैक्सिंग नहीं करनी, तुम अपने मालिक को बुलाओ जाके। मैं ही मालिक हूँ। तुम मालिक हो? या तुम मालिक हो और तुम्हें दुकान चलानी नहीं आती? तो दुकान को मालिक चलाना आता है? तुम्हें इतना ही बड़ा गुरूर है अपने लाल पजामे पे, तुम चला लो दुकान। मैं दुकान क्यों चलाऊंगी? और तेरे से जहाज चलवाए, पायलट है तू। बाहर ऑटो रिक्शा में, इधर आगे बड़ी बड़ी बातें। ओके, अगर बात मेरे आत्मसम्मान पे आ ही गई है तो मैं ये दुकान चलाकर दिखाऊंगी। हटो यहाँ से। आ जाओ भाई, इतना देर ना दुकान को छोड़ के गया, हमें तो चिंता हो रही थी। सारा सामान बिक गया होगा। अरे अरे रे रे, दुकान पे कस्टमर आया है, कस्टमर आया है। आइए आइए आइए, क्या चाहिए आपको? हमें ना 1 किलो मूंग मसूर की दाल और 2 किलो चावल पैक कर दो। क्या पैक कर दो? क्या ऑर्डर दे रही हो? ये हमारी दुकान है, यहाँ से तुम क्यों पैक करवाओगी? अरे वाह, दोनों इतनी जल्दी आ गए, लुढ़क के आयो, कहाँ गए थे तुम लोग? अरे वो हमारी नानी के भाभी के बेटे के चाची के भाई की छोटी बहन के बुआ की बेटी के छोटे से बेटे का मुंडन नहीं है, सिर्फ कह दो मुंडन पे गए थे, बस मुंडन। मतलब सिर्फ मुंडन बोलूं? तो ये ना बोलो नानी के भाभी के चाचा के बेटे के बहन के छोटे भाई के पड़ोसी के नवासे के बेटे का मुंडन था। कंप्लीट किया। अरे यार, और वैसे भी चलो, क्या क्या बिक्री हुआ हमारी दुकान में बताओ, अपने मालिक को बताओ। एक मिनट, मालिक तो ये है ना? नहीं जी, आपने तो कहा था मालिक आप हो। हाँ तो हमने कब कहा कि मालिक ये है, ये तो अपने आप को मालिक कह रहा है ना। तो तुमने भी तो अपने आप को कहा, तुम्हें कोई आगे किसी ने डिग्री तो नहीं दी कि तुम मालिक हो? ये बात तो इन्होंने ठीक कही, इस हिसाब से यही मालिक हुए। अरे तो ये मालिक हुए तो हम क्या हैं? आप एक नंबर के आलसी कामचोर मोटे हो। ये सारी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? अरे वही नानी की भाभी के बेटे के चाचा की पत्नी के छोटे भाई के पड़ोसी की नवासे के उस पे मुंडन पे गए थे ना, वहाँ बोल रहे थे। कौन बोल रहा था ये बताओ, उसके बाल नोच लेंगे हम। अरे वो नानी की भाभी के चाचा के बेटे के। रुक जाओ अब, एक ही बात बार बार। देखा, जिससे बीवी नहीं संभाली जा रही, दुकान कैसे संभालेगा ये? तो इसीलिए तो दुकान संभालने के लिए तुम्हें दी थी, क्यों नहीं संभाली? पर इन्होंने दुकान को मुझे दे दी। हैं? ए खबरदार, अगर हमारी दुकान में नजर भी डाली तो खबरदार। ओए सुनो मेरी बात, तुम दोनों शादी कर लो ना, आधी आधी हो जाएगी दुकान तुम दोनों की। हाँ तो मैं इनसे शादी क्यों करूंगी? क्योंकि मेरे को तो नहीं करनी तुमसे। तो मैंने कब बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है? ओ हेलो, मेरे बारे में सोचना भी मत, मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ए, पता चल गया ना आपको, पता चल गया, सारी जिंदगी गुजारी है हमने इसके साथ, बताइए ये नानी की चाची की मामी की टाटी के साथ। देखिए, मुझे आपकी लाइफ की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो हम जोक सुना देते हैं, एक जोक्स का पिटारा भी है हमारे पास। लड़की देखते ही जोक का पिटारा खुल जाता है, है? अंदर चलो, जोक नहीं पटारा ही फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, कैसे लड़की मोटे करने लग जाते हो आप? तो खाली हमारे कभी जोक सुना है अंदर? ये मामला बिगड़ चुका है, दोनों मोटे अभी ना पेड़ उखाड़ खाड़ फेंकेंगे, तुम मेरे साथ आओ, हम चलते हैं। अरे अरे अरे, जोक सुनाते हैं, अरे तुम हम जोक सुना लो, अरे सुनाने वाला पूरा बात सुनो यार, पूरा बात सुनो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.